अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता और ना कोई घाटा है, बस इसमें एक बटन दबाना होता है और हो गया सब्सक्राइब। और साथ ही साथ ये जो बाजू वाला घंटा है इसे ज़रूर दबाइए, क्योंकि ये नोटिफिकेशन बेल है। अगर आप इसे दबाते हैं तो अगर मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो थ्रू इसके थ्रू आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच। सभी को मैं क्रांतिकारी जय भीम, साथियों मैं एडवोकेट सुजीत कुमार सम्राट, प्रभारी भीमारवी भारत एकता मिशन दिल्ली प्रदेश। साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 19 अगस्त 2018 को सुबह 10 बजे दिल्ली के संसद मार्ग पर भीमारवी भारत एकता मिशन बहुजन संकल्प महासभा करने जा रही है, जिसमें 2 अप्रैल 2018 को जो हमारे हजारों नौजवान साथी जिन पर सरकार ने झूठे मुकदमे लगाकर जेल में डालने का काम किया, और हमारे वो 11 साथी जिन्हें सरकार ने और उन मनीवाद लोगों ने सीने में गोली मारने का काम किया, उनके परिजन आ रहे हैं। भीमारवी भारत एकता मिशन उनको सम्मान कर रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप लोग वहां आए। अगर आप लोग वहां नहीं आए तो कोई भी अपने बच्चे को बाहर नहीं भेजेगा, कोई आंदोलन के लिए नहीं भेजेगा, क्योंकि वो आंदोलन हम सब लोग का आंदोलन था, बहुजन आंदोलन था। साथियों अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लड़ने के लिए जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, जिन लोगों ने जेल जाकर ये साबित कर दिया है कि समाज के लिए हम जब तक लड़ते रहेंगे जब तक समाज को न्याय नहीं मिलेगा, तो साथियों ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप समय पर पहुंचकर वहां पर महासभा का सहयोग करें और महासभा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। साथियों ये लड़ाई मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है, इसलिए सभी लोग वहां पर आए और ज्यादा से ज्यादा आए और सरकार को बताने का काम करें कि जब जब भी सरकार हम पर दमन नीति करेगी, जब जब भी हम हमारे नौजवानों पर झूठी FIR दर्ज करेगी, और जब जब भी ये सरकार हमारे नौजवान साथियों को परेशान करेगी, जब जब नौजवान साथी और पूरा समाज सड़कों पर निकलकर सरकार से पूछेगा कि आप लोग SC ST OBC माइनॉरिटीज के खिलाफ क्यों हो, क्योंकि ये हमें फंडामेंटल राइट्स है। साथियों मैं दिल्ली का प्रभारी होने के नाते आपसे गुजारिश करता हूं कि आप लोग तो आए आए साथ में और भी साथियों को लेकर आए और अपनी फैमिलियों को लेकर आए, बच्चों को लेकर आए, क्योंकि वहां पर एक बड़ा आंदोलन हो रहा है। और सरकार से हम 3 डिमांड कर रहे हैं। पहली डिमांड हमारी ये है कि भाई चंद्रशेखर आजाद पर जो NSA लगाया हुआ है और जो अन्य लोगों पर NSA लगाया हुआ है वो खत्म होना चाहिए। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि 2 अप्रैल 2018 को जो हजारों की तादाद में झूठे मुकदमे लगाने का काम किया था उन मुकदमों को वापस लिया जाए। और तीसरी हमारी डिमांड ये है कि 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव के अंदर जो हमारे आंदोलनकारियों पर झूठे मुकदमे लगाए थे वो मुकदमे वापस होने चाहिए, और जो मॉब लिंचिंग है वो वापस होने चाहिए, और साथियों जो सरकार कर रही है वो सरकार को ये वापस सारे कुछ करने चाहिए, मुकदमे करने चाहिए, और सरकार को हमारे लिए हमारे हमारी प्रगति के लिए प्लानिंग बनानी चाहिए। नहीं तो हजारों की तादाद में लाखों की तादाद में उस दिन लोग संकल्प लेंगे, क्योंकि इस रैली का नाम ही बहुजन संकल्प महारैली है। हम संकल्प लेंगे कि अगर सरकार ने अपना रवैया नहीं चेंज किया तो हम सरकार को ही बदल देंगे। साथियों हम लोग और वो लोग जो जेल गए थे और वो लोग जो हमारे लिए शहीद हुए थे वो लोग आपका इंतजार करेंगे। मैं तो आ रहा हूँ साथियों अपने परिवार के साथ, मैं इंतजार करूंगा, वो लोग इंतजार करेंगे, आप भी वहां पर पहुंचे और मीटिंग को और सभा को सफल बनाए। साथियों जय भीम जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों